हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट हेल्थ इंडिया। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने मोबाइल के पैटर्न लॉक में आप अपना फ़ोटो कैसे सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कितना अच्छा, कितना ब्यूटीफुल लग रहे हैं। अगर आप लोग भी अपने मोबाइल के पैटर्न लॉक में आप अपना फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। तो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ बगल में एक बेल आइकन मिलते हैं तो आप यहां पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक बेल आइकन मिलते हैं, आप इस पर भी क्लिक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल को ऑलरेडी से सब्सक्राइब करके रखे हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो गाइज, उसके बाद आपको अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा, उस एप्लीकेशन का नाम है लॉक स्क्रीन। तो आप अपने मोबाइल में लॉक स्क्रीन ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर एक लिंक मिलेगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके लॉक स्क्रीन ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। इंस्टॉल करने के बाद आप ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा पेज ओपन होगा, अगर आपसे कोई परमिशन मांगेगा तो आप उसे अलाउ कर दीजिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसे हम अलाउ कर दिए हैं। अलाउ करने के बाद कुछ ऐसा पेज ओपन होगा, लॉक स्क्रीन, तो ये अभी डिसेबल है तो आपको इसे इनेबल करना होगा। तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, ये इनेबल हो जाएगा। इनेबल होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं योर न्यू अनलॉक पैटर्न, तो आप यहां पर एक न्यू पैटर्न लॉक टाइप कर दीजिए। आप जो भी अपना पैटर्न लॉक लगाना चाहते हैं आप वो पैटर्न लॉक यहां पर टाइप कर दीजिए। तो यहां पर एक हम टाइप कर दिए हैं और ओके कर दिए हैं। फिर से आप यहां पर देख सकते हैं ड्रॉ पैटर्न लॉक टू कन्फर्म, तो आप यहाँ पर फिर से टाइप कर दीजिए। जो पैटर्न लॉक अभी आप टाइप किए थे वही आप फिर से टाइप कर दीजिए, उसके बाद आपका लॉक सेट हो जाएगा। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाता है चेंज पासवर्ड। अगर आप फ्यूचर में कभी भी आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज पासवर्ड में क्लिक करके आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐड आते हैं तो आप इस ऐड को कट कर दीजिए। ऐड को कट करने के बाद कुछ ऐसा पेज ओपन होगा कन्फर्म का, तो आप अपना ओल्ड पैटर्न पासवर्ड यहाँ पर टाइप कर दीजिए, उसके बाद न्यू पैटर्न पासवर्ड यहाँ पर टाइप कर दीजिए। तो यहाँ पर एक न्यू पासवर्ड हम टाइप कर देते हैं फिर से और ओके कर देते हैं। और आप यहां पर देख सकते हैं मेरा पैटर्न लॉक यहां पर चेंज हो चुके हैं। तो आप फ्यूचर में कभी भी अपना लॉक यहां से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाते हैं चेंज फ़ोटो का। जब आप चेंज फ़ोटो में क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा पेज ओपन होगा, और जब आप फ़ोटो में क्लिक करेंगे तो आपका गैलरी ओपन हो जाएगा, और आप अपने गैलरी से आप अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ से हम अपना एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे एडजस्ट करके राइट के सिंबल में क्लिक कर देते हैं। और आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर मेरा फ़ोटो लग चुके हैं। तो आप इसी प्रकार से आप सारे फ़ोटो को चेंज कर दीजिए और आप अपना फ़ोटो यहां पर सेट कर लीजिए। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर तीन फ़ोटो यहां पर मेरा आ चुके हैं और नीचे में भी छः फ़ोटो बाकी हैं, इसे भी हम चेंज करके यहाँ पर हम अपना फ़ोटो सेट कर लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम अपना सारा फ़ोटो यहाँ पर सेट कर लिए हैं। फ़ोटो सेट करने के बाद नीचे में आपको एक ऑप्शन है रिसेट टू डिफ़ॉल्ट, तो आपको इस पर क्लिक नहीं करना है। अगर आप यहां पर क्लिक कर देंगे तो आपका फ़ोटो हट जाएगा और जो फ़ोटो पहले से था वही फ़ोटो फिर से यहां पर आ जाएगा। तो आपको यहां पर क्लिक नहीं करना है और आपको यहां पर बैक बटन दबा के बैक हो जाना है। तो यहाँ से हम बैक हो जाते हैं। अगर आप चेंज फ़ोटो में क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका ही फ़ोटो यहाँ पर लगा रहेगा, तो आप यहाँ से बैक हो सकते हैं। सर, यहाँ पर ऐड बहुत ज़्यादा आते हैं, तो लेकिन आप वेट कर लीजिएगा थोड़ा देर। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा चेंज वॉलपेपर। अगर आप चेंज वॉलपेपर में क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे वॉलपेपर आएगा और आप अपना वॉलपेपर यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जो भी वॉलपेपर आपको पसंद आते हैं आप उसे सेलेक्ट कीजिए और आप चेंज वॉलपेपर में क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपका ये वॉलपेपर सक्सेस हो जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस ऐड को हम यहाँ पर कट कर दिए हैं और अब आप यहाँ से बैक हो जाइए। बैक होने के बाद अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपका लॉक यहाँ पर सेट हो चुके हैं। तो अब आप यहाँ से बैक हो जाइए और आप अपने मोबाइल को एक बार लॉक कीजिए। लॉक करने के बाद आप उसे अनलॉक कीजिए। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लॉक करने के बाद जब इसे हम अनलॉक किए हैं तो कुछ ऐसा पेज ओपन हुआ है और यहाँ पर मेरा पासवर्ड पूछ रहे हैं। जो पैटर्न लॉक हम टाइप किए थे वही पैटर्न लॉक यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहे हैं।
पैटर्न लॉक टाइप करने के बाद आपका ये मोबाइल अनलॉक हो जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कितना अच्छा लग रहा था। तो आप इसी प्रकार से आप भी अपने पैटर्न लॉक में आप अपना फ़ोटो सेट कर सकते हैं और आप अपने मोबाइल को कूल बना सकते हैं। तो गाइज मैं आपको बता दूं, अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहले बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बगल में एक बेल आइकन मिलती है आप इस पर भी क्लिक कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।